आज हम पहुंचे हैं पानीपत ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में। आपको बता दें यहां से बीजेपी विधायक महिपाल डांडा हैं और ये सांसद अश्विनी चौपड़ा का संसदीय क्षेत्र पड़ता है। पानीपत शुरू से योद्धाओं की युद्ध स्थली रही, यहां पर इतिहास की तीन बड़ी लड़ाइयां भी लड़ी गईं। तो आज देखते हैं कि पानीपत ने समय के साथ अपने आप को कितना बदला है और कितना विकास किया है, यही जानने आज हम जनता के बीच चलते हैं और जानते हैं कि आज के दौर में पानीपत में विकास का सूरत हाल क्या है। पानीपत ग्रामीण विधानसभा कंबल के काम के लिए जानी जाती है। एक समय था कंबल बुनने की यहाँ सैकड़ों फैक्ट्रियां हुआ करती थी जिनका सालाना टर्नओवर हजारों करोड़ों रुपए का था, लेकिन सरकारी उदासीनता के चलते ये कारोबार अब सिर्फ गलियों तक ही सिमट कर रह गया। कंबल कारोबारियों ने हमें बताया कि उन्हें ना तो बिजली मिल पाती है और ना ही सुरक्षा और बाकी सुविधाएं। कारोबारियों ने शासन से अलग जोन बनाने की भी मांग की थी। विधायक जी ने इसे चुनावी मुद्दा भी बनाया था, लेकिन कारोबारियों की यह मांग पूरी नहीं हुई। डर लगता है जीएसटी की वजह से, पता नहीं क्या डर उनके मन के अंदर बैठ गया है। वो किसी भी तरह से कोई भी काम नहीं करना चाह रहे हैं और ये इंडस्ट्री हमारी बिल्कुल दबती जाने लग रही है, कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। सरकार की तरफ से हमारे को जो बिजली की कोई भी किसी भी तरह की सुविधा नहीं है, बिजली किस टाइम जाएगी किस टाइम आएगी हमें कुछ भी मालूम नहीं होता। 1955 में बना यहाँ का कंबल देश में आर्मी को सप्लाई हुआ करता था। धीरे धीरे यह मार्केट कंबलों का हब बन गया और व्यापारियों ने यहाँ पर सरकार से एक कंबल इंडस्ट्री जोन की मांग की, जो कि एक सपना बनकर साबित हो गई, जिसके कारण आज यहाँ पर कंबलों का करोड़ों का बाजार ये धीरे धीरे पानीपत की गलियों में गुम हो रहा है। पानीपत ग्रामीण विधानसभा में शिक्षा भी एक बड़ी समस्या है। शिक्षा को लेकर इस क्षेत्र की परेशानियां क्या है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा सुन लीजिए कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर विधायक जी दावे क्या क्या कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे जाटल में एक टेक्सटाइल इंस्टीट्यूशन हमारे वहाँ पे है, एक इंजीनियरिंग कॉलेज वहाँ पे है, एक यहीं पे सेक्टर 18 में ही हमने गवर्नमेंट कॉलेज बनाया और बना के उसको चालू भी कर दिया है। हमने एक ITI बराना के अंदर भी, वो भी 8.5 करोड़ रुपए की लागत से बन के हमारी वो तैयार हो गई है। और मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के 4 स्कूल हमने अपग्रेड कराए हैं, जिनको बहुत नेसेसिटी थी, बहुत ज़रूरी थे, हमने चारों स्कूलों को भी अपग्रेड करा लिया है। विधायक जी ने दावे तो बड़े बड़े कर दिए, लेकिन ज़मीनी हकीकत तो ये है कि पानीपत ग्रामीण विधानसभा में एक भी कॉलेज नहीं है। 12वीं की पढ़ाई के बाद बच्चों को या तो कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है या फिर पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। यह आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, खुद यहाँ की जनता लगा रही है। ये क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है, चाहे हम दिल्ली NCR में हैं, पर हमारे बच्चों को यहाँ पे शिक्षा के नाम पर सुविधाओं का बिल्कुल टोटा है। इतनी प्रतिभाएं छिपी हुई है, अगर बच्चे थोड़ा सा भी इस क्षेत्र में आगे निकलने की कोशिश करते हैं तो अच्छे संस्थान हमारे पास नहीं है। उनके लिए बच्चों को आसपास हमारे राजधानी के कॉलेजेस में जाना पड़ता है, जहाँ इतनी मारामारी है, थोड़ी संख्या में कॉलेजेस हैं, वहाँ पे बच्चों को ढंग से जो मनमाने वो जो कोर्स चाहते हैं वो उनका एडमिशन उनको नहीं मिल पाता। दूर दूर तक कोई PG कॉलेज नहीं, कोई एकाध कॉलेज है, वो बहुत ही ज़्यादा दूर है, जहाँ पे मतलब लोग अपनी बेटियों को भेजना पसंद नहीं करते। शिक्षा के स्तर अभी निम्न स्तर है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 4 लाख की लगभग के करीब आबादी है, लेकिन यहाँ पर ना तो कोई PG कॉलेज है, ना यहाँ पर इतना शिक्षा का स्तर हमने देखा है कि उठा हुआ है। बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास सुविधाएं नहीं हैं, जो कि होनी चाहिए। अगर हमारा नेता इस तरफ ध्यान दे और हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत आगे आ सकते हैं। पानीपत ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में कुल आबादी 4 लाख से ऊपर है और इस इलाके में मात्र एक सरकारी महाविद्यालय है। ऐसे में यहाँ शिक्षा का स्तर क्या होगा, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। सरकार शिक्षा के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाती है, फिर भी धरातल पर शिक्षा की हकीकत तो कुछ और ही बयां कर रही है। ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार इस हकीकत का जिम्मेदार कौन है।